हमने NRSP वालों के लोगों से कॉन्टैक्ट किया, वो यहाँ आए, उन्होंने आकर हमारी इस तंजीम को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ की कम्युनिटी ने मिलकर कम कीमत पर रोड बनवाई है। पहले तो बहुत मुश्किलें थी, गाड़ी का भी मसला होता था, कभी पहुंच जाते थे तो रात इधर ही हो जाती थी, निकलती ही नहीं थी। अभी जो है तकरीबन बहुत इजी हो रहा है माहौल, स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। पहले तो वो भी काफ़ी लेट हो जाते थे स्कूल से, फिर मास्टर भी डांटते थे उनको। इससे पहले जो हमारे बच्चे थे मसलन 3-4-5 साल के, उनको भी वालदेन स्कूल में नहीं भेजते थे क्योंकि उनके मसाइल होते थे, उनको रोज़ाना कोई उठा के तो स्कूल में नहीं ले जा सकता था। अब बच्चे स्कूल में खुशी खुशी जाते हैं और उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम घास काटती थी तो कोई नहीं जाकर लाता था क्योंकि रास्ता मुश्किल है। खवातीन पानी इतने दूर से तो नहीं ला सकते हैं कि हमारा इलाका, हम देहात में लोग रहते हैं, हमें चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ती हैं, फिर उतराइयाँ भी उतरनी पड़ती हैं। रोड बनने के बाद अब उनमें भी काफ़ी बेहतरी आ गई है। पहले सोलिंग नहीं था, सही है। उस टाइम हमको ये मुश्किल था कि हम लोग गाड़ी का 1800 रुपया देता था, जब बाज़ार में जाता था कोई गाड़ी वाला सुनता ही नहीं था, बोलता था रोड ख़राब है। अभी हम लोग जब आता है किसी गाड़ी वाले को बोलेगा तो वो 1000 पे 900 पे आ जाता है इधर।